जेएसएससी का एक बार फिर से अजब कारनामा सामने आया है। दरअसल इस बार जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पीजीटी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया था, जिसे नौकरी दी थी, अब उसे ही जेएसएससी ने अयोग्य करार दिया है। दरअसल क्या है पूरा मामला, आइए, हेमंत सरकार पर अब हमलावर है नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, सुनते हैं क्या कुछ कहा। ओ, युवक मुझसे भी मिलने के लिए आया था। जेएसएससी के कारनामे हजार है और जेएसएससी के कारनामे और कारनामेबाजी का जो सूत्रधार है वो झारखंड की सरकार है। सीजीएल से लेकर के सारे पोस्टों को भेजने का इन्होंने काम किया है और जो उसमें उन्होंने आपने देखा होगा एक देवघर की घटना, जांच हुई, पता चल गया कि भाई वो सर्टिफिकेट जो था दिव्यांग का वो जाली सर्टिफिकेट था, उस पर उन्होंने नौकरी दे दी। वहाँ टाइपिंग मिस्टेक और वो मामला करके वो किसी तरह से चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। अब अपनी चोरी छिपाने के लिए एक सही में विकलांग या दिव्यांग जो बच्चा है जिसने 5 महीने काम कर लिया है उसके भी जीवन के ऊपर इन लोगों ने छुरी चला दी। मुख्यमंत्री ने जिसको नौकरी दिया, बड़े बड़े दावे किए इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने, उनको 5 महीने के बाद उनको रास्ते पे ला करके खड़ा कर दिया। ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम जो है इन्होंने पूरी तरह से इसको जो पैरालाइज कर दिया है भ्रष्टाचार के कारण। और मैंने उस समय भी कहा था, मैंने सेक्रेटरी और बाकी लोगों को भी कहा था कि भाई इमिडिएट उस लड़के को बहाल करो, अगर गलती नहीं है तो फिर उसको बहाल करो, और जिन लोगों ने अगर गलती किया है तो पहले तो उनको ही बर्खास्तगी होनी चाहिए। जिन लोगों ने गलती करके ऐसे काम किया है, आपने कितने लोगों को इस पे जो है कार्रवाई किया है, टाइपिंग मिस्टेक बोल करके और चीज़ों से नीचे निकल जाना, करोड़ों रुपये, हजारों रुपये, लाखों रुपये पैसा ले लेना और उसके बाद बोलना टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पूरी तरह से आज भी मैं इस बात को लेकर के स्टैंड करता हूँ कि भाई सीजीएल जेएसएससी जेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए और हम लोगों की गवर्नमेंट आएगी तो हम लोग दिशा में आगे बढ़ें। तारीख पे तारीख नियुक्ति वर्ष जब कुछ हल्ला होता है तो नियुक्ति वर्ष, उसके बाद कैलेंडर, छात्रों के दबाव में कैलेंडर जैसे ही होता है फिर आगे बढ़ करके जो भाई इतना तारीख को कर देंगे। यही मुख्यमंत्री जी है ना, जुलाई के महीने में इन्होंने कहा कि भाई पुलिस की बहाली करवा देंगे, यही मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने परीक्षाएं ले लेंगे। अभी तक परीक्षा लेने के लिए एजेंसी का चयन इन लोगों ने नहीं किया, अभी तक एजेंसी का चयन नहीं किया है। एजेंसी बैंक डोर से वही ब्लैक लिस्ट कंपनी जियो ब्लैक लिस्टेड है, जिसके कारण जो है परीक्षाएं गड़बड़ी हुई है, उसी का क्लेवर बंदर कर बोतल बदल करके, ऑनर वही है, नाम बदल करके उनको फिर से ला के एग्जाम कंडक्ट कराने के पीछे में एक षड्यंत्र, पूरी तरह से फिर से नौकरियां बेचने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान की सरकार एक भी परीक्षा ले पाएगी, 5 साल तक इन्होंने बर्बाद किया ही युवाओं का। अब जो है कैलेंडर दे चाहे जो भी दे, इन्होंने सरेंडर के मुद्रा में आने का काम किया है, ये सरेंडर हो गए। तो रूप से उनका मामला है, अब उनका सर फूटे और कहाँ से, अब जो लोग कहते हैं यहाँ पे आकर के जो झारखंड और झारखंडियों की बात करने वाली सरकार है उनको ये समझना चाहिए कि भाई आरजेडी की भूमिका इस झारखंड में क्या रही है, आरजेडी की भूमिका क्या रही है और आगे वो क्या करेगी, ये सबको समझ में आता ही है। बाकी विशुद्ध रूप से उनका मामला है, ये तो प्रश्न आप उनके मुख्यमंत्री से पूछिए, जो मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि भाई सहायक पुलिस कर्मी का सारा जो है मामला निपट गया है कैबिनेट में। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास, सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।